गाड़ी के अंदर से स्मोक नहीं निकल रहा है, बल्कि गाड़ी के अंदर हम लोग स्मोक डालने वाले हैं। दोस्तों ये है एक ऑटोमोटिव स्मोक लीक डिटेक्टर मशीन। अब नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये गाड़ी में जो है लीकेज को डिटेक्ट करती है, लेकिन क्या ये सही में काम करती भी है या नहीं, इस मशीन को और इसकी एक्सेसरीज को कैसे यूज करना है, तो ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, गैजेट मसाला को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है बॉक्स UDAG ऑटोमोटिव स्मोक टेस्टर एंड डिटेक्टर का। ALT 400 इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पर लिखा है कि किसी भी तरह की गाड़ी हो, उनकी पाइपलाइन में लीक वगैरह जो होती है टेस्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी बेस्ट सेलिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका यूजर मैनुअल रखा हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। यहाँ पर एक टेपर्ड फनल जैसा एडाप्टर है और यहाँ पर इसके अंदर एक और एडाप्टर है। तो अलग अलग जो साइज के यहाँ पर एडाप्टर मिलेंगे, क्योंकि गाड़ी में जो पाइपलाइंस भी अलग अलग साइज की होती है। इसके साथ में एक यूनिवर्सल पंप एडाप्टर भी है और ईवैप एडाप्टर केबल भी यहाँ पर रखी हुई है। और ये जो है यहाँ पर मेन स्मोक पाइप है जिसमें से स्मोक वगैरह निकलेगा, और एक हुक मिल जाता है मशीन को टांकने के लिए, और एक बॉटल मिल जाती है बढ़िया सी जिसके अंदर हम कोई भी बेबी ऑयल डाल के यूज कर सकते हैं, और ये जो एक टूल मिल जाता है, और यहाँ पर ये जो है वायर केबल मिल जाती है बैटरी से लगाने के लिए। गाड़ी की बैटरी से आप लगाओगे और ऑन हो जाएगी मशीन। और ये जो है अभी ब्लैक टेपर्ड प्लग्स जो होते हैं, ये है कहीं पे भी सील करने के लिए, जो भी होल्स वगैरह होते हैं उनको आप बंद कर सकते हो और प्रेशर चेक कर सकते हो। तो ये अपना मेन यूनिट है, ब्लू कलर में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर लिखा है लीक साइज, यानी कि इस बटन को घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हो कितना ज़्यादा आपको स्मोक इसमें से चाहिए। तो फ्लो आप एडजस्ट कर सकते हो स्मोक का ज़्यादा कम, और नीचे जो है बटन मिल जाता है ऑन ऑफ का, और पीछे की साइज़ में इसकी डिटेल्स वगैरह दी गई है। ऊपर जो है ये ढक्कन मिल जाता है जिसके अंदर हमें बेबी ऑयल को डालना रहता है, जो कि स्मोक में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर ये सब कुछ इसमें मिलता है। तो अनबॉक्सिंग तो हमने देख ली है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक होंडा की कार है, तो इसके ऊपर हम लोग इसको लगा के देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर इस बॉटल के अंदर जो आपको येल्लो कलर का ऑयल दिख रहा है, वो एक बेबी ऑयल है जो कि मैंने मार्केट से लिया था। कोई भी बेबी ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर ऊपर डालेंगे, जो दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए ऑयल को यहाँ पे डालना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ और फिर जो है हम मशीन को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर कॉर्ड जो है कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर साइड में, और जो है फिर बैटरी पे हम इसको लगाएंगे। जो रेड वाली केबल है वो पॉजिटिव साइड पे रहेगी और ब्लैक वाली केबल जो है नेगेटिव साइड पे रहेगी बैटरी पे। और बैटरी पे लगाते ही टर्र आवाज़ जो है ऑन हो जाएगी, जो आप सुन सकते हो। तो रेड लाइट का मतलब है कि पावर आ गई है, और ग्रीन लाइट का मतलब है स्मोक ऑन हो रहा है। तो ऑन ऑफ कर सकते हो आप, स्मोक तभी ये प्रोड्यूस करता है जब आप इसको ऑन करते हो। और यहाँ पर स्मोक वाली केबल को भी मैं अटैच कर देता हूँ, घुमा के एकदम ही टाइट ही अटैच हो जाती है, और फिर जो है स्मोक को ऑन कर देते हैं हम, और जो है कुछ सेकेंड्स के अंदर, मतलब 10-15 सेकेंड में जो है स्मोक निकलना चालू हो जाता है। वही तो है प्रेशर का आ गया, दिख रहा है लाइट ऑन है ना, माफ ले ले। और हम जो है इसके स्मोक के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं इसके नॉब से, देखिए मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं आगे देखिए उंगली लगाता हूँ तो जो प्रेशर है मीटर है वो प्रेशर दिखाता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि लीकेज अंदर है या फिर नहीं। अगर ज़रा भी प्रेशर नहीं बन रहा है, मतलब लीकेज है कहीं पर, और अगर देखिए जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ, मतलब कोई भी लीकेज नहीं हो रही है, तो प्रेशर मीटर जो है ऊपर आपको प्रेशर दिखाएगा, और जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो ज़रा भी प्रेशर नहीं आता है, तो लीकेज अंदर। ये देखिए इतना ज़्यादा स्मोक इसमें से निकल रहा है, फ्लो को मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए मेरे पास बॉटल्स है पानी की, तो आप इस पानी की बॉटल में देख सकते हो मैंने इसको लगा दिया, और प्रेशर आप देखिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी कि ज़रा भी अंदर लीकेज नहीं है। तो प्रेशर से तो हमें पता चलता ही है लीकेज का, और साथ में हम लोग टॉर्च वगैरह लगा के भी देख सकते हैं कि कहीं से स्मोक निकल रहा है, जो भी सिस्टम आप चेक कर रहे हो लीकेज के लिए। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक और बोतल है जिसके ऊपर मैंने होल कर दिया है, ताकि हम लोग देख सके लीकेज को कैसे ये डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे ही मैं स्मोक को डाल रहा हूँ, तो ज़रा भी प्रेशर यहाँ पर बन नहीं रहा है, और जो है होल में से स्मोक निकलता जा रहा है, जो कि विजिबल है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और इस मशीन की मदद से हम कार की सीलिंग का टेस्ट कर सकते हैं, क्रैंकेस सिस्टम का टेस्ट कर सकते हैं, ईवैप सिस्टम का टेस्ट कर सकते हैं, टर्बो लीक्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, और जो भी दूसरे पाइपलाइन फिटिंग्स वगैरह होती है उन सब की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम को भी टेस्ट कर सकते हैं, कार का कूलिंग सिस्टम या ब्रेक पाइपलाइंस वगैरह,
हर चीज़ जहाँ पे भी आपको कार में प्रॉब्लम लग रही है, अगर आपकी गाड़ी जो है आवाज़ कर रही है या फिर स्टार्ट होने में प्रॉब्लम दे रही है, गाड़ी के एग्जॉस्ट में से पॉल्यूशन वाला धुआं निकल रहा है, व्हीकल पावर सही से नहीं दे पा रही है, या फिर आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया है, या फिर विंडोज़ में से जो है एयर या वाटर कुछ लीक कर रहा है, तो हर चीज़ का इलाज जो है ये मशीन करेगी नहीं, लेकिन जो है ढूंढ के आपको दे देगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसकी मदद से आप उसको रिपेयर कर सकते हो। और इसमें से जो स्मोक है वो तो आपने देखा ही, कितना ज़्यादा निकलता है, कितना वाइट कलर में एकदम ही जो है इजीली आपको दिख जाएगा। टॉर्च वगैरह थोड़ा मारोगे तो कहीं से भी थोड़ी भी लीकेज होगी तो दिख जाएगा, और प्रेशर भी अच्छा क्रिएट करता है। ये जो है यहाँ पर यूनिवर्सल एडाप्टर इसको बोलते हैं, तो जैसे ही मैं हवा इसमें भरता हूँ तो ये देखिए फुल जाता है। और क्योंकि गाड़ी में अलग अलग पाइप की साइज़ अलग अलग होती है, तो फॉर एग्जाम्पल पीछे एग्जॉस्ट में इसे आपको लगाना है तो आप इसमें जो है हवा भरिए और ये टाइट हो जाएगा एकदम, और ज़रा भी लीकेज मतलब जो है प्रेशर अच्छे से बनेगा, मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया से काम करता है, ये देखिए। और इसके साथ में जो है अलग अलग प्लग्स भी मिल जाते हैं काफ़ी सारी डिफरेंट साइजेस के, गाड़ी में अलग अलग पाइप्स को आप जो है एंड पॉइंट होता है उनको सील कर सकते हो ताकि आप प्रेशर जो है सही बना सको अंदर स्मोक का। और ये जो है एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं दो और एडाप्टर्स, तो अगर आप मैकेनिक हो तो आपको पता ही है इनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ लगाना है। और ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी जैसे बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम काफ़ी लगता है इस प्राइस पॉइंट पे। और यूडीएक के मैंने दूसरे भी जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स ये बनाती है कंपनी तो यूज़ करके देखे, और सभी में जो है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रा भी नहीं होती, आपको बेस्ट क्वालिटी मिलती है और सारे अटैचमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ जो भी यूज़ करने हैं। तो यही सब इस प्रोडक्ट के बारे में था। तो मोस्ट ऑफ सब कुछ मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आपके लिए है। इसकी बेस्ट सेलिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट लिंक और साथ में डिस्काउंट कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला। जय श्री कृष्णा।